अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको आज दिखाएंगे कहां भारी बारिश के बीच रनवे पर फिसला प्लेन और हो गया बुरा हाल, कहां आगे कुत्ता पीछे गुलदार हो गया बड़ा शिकार, और कहां सीधे चलते चलते बस अचानक 12 फीट नीचे जा गिरी। यह है मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर, रनवे पर अचानक फिसल गया प्लेन। मुंबई में गुरुवार को हो रही थी भारी बारिश, इसी बीच मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे 27 पर उतरते समय चार्टर VTDBL बंद हो गया। प्लेन में 6 यात्री और 2 क्रू सदस्य सवार थे। भारी बारिश के कारण दृश्यता 700 मीटर थी और इसी बीच हो गया बड़ा हादसा। रनवे पर ही ये प्लेन फिसल गया, मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में प्लेन में सवार सभी 8 लोगों को चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि प्लेन में कोई भी VIP मौजूद नहीं था। चार्टर प्लेन कैसे फिसला इसकी जांच की जा रही है। वहीं DGCA के सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है। अब ये CCTV फुटेज देखिए, आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे गुलदार, लेकिन काफी देर तक गुलदार ना तो कुत्ते पर झपटता है और ना ही कुत्ते को गुलदार से कोई डर नजर आता है। ये वीडियो उत्तराखंड के बागेश्वर का है। यहाँ इन दिनों गुलदार का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ गुलदार रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। बुधवार रात बागेश्वर के कठायत बाड़ा इलाके में गुलदार एक मॉल में घुस गया, जहाँ वो एक कुत्ते के पीछे पीछे सीढ़ियों पर आता जाता दिखाई दिया। बता दें कि इस वीडियो में जो कुत्ता नजर आ रहा है वो भी मॉल मालिक का पालतू नहीं था। दोनों यहाँ कैसे घुसे इसका भी पता नहीं चल पाया और ना ही इस गुलदार ने उसका शिकार किया। खैर, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अब ये तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश की, मसूरी थाना इलाके में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की बस करीब 12 फीट नीचे गिर गई और एक घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल नोएडा सेक्टर 62 के पास एक्सप्रेसवे की मुख्य लेन में ट्रक रुक गया और भारी ट्रैफिक के बीच चालक ने ट्रक मोड़ लिया, इसके बाद मेरठ की तरफ जाने लगा था। बता दें कि गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे से साइड लेन पर आने के लिए सिर्फ 3 कट बने हुए हैं। इस घटना में 20 यात्री घायल बताए गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि ट्रक के अनियंत्रित होने से ये ट्रक डगमगा कर गिर पड़ी। न्यूज़ तक ब्यूरो।